नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे एक कस्टमर के सन डायरेक्ट डीटीएच में नो सिग्नल आया है और उन्होंने मुझे कल करके बताया कि नो सिग्नल कैसे हम ठीक करें। तो जब मैंने उससे रीजन पूछा कि नो सिग्नल किस तरह से हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उसके छत पे डिश एंटेना लगा हुआ था सन डायरेक्ट का और वो पेड़ कट रहे थे, तो पेड़ का एक डाल आके डिश एंटेना में गिरा और उसके बाद से नो सिग्नल हो गया है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया उस नो सिग्नल को ठीक करने के लिए, तो मैं गया और उसके बाद कैसे उस नो सिग्नल को ठीक किया और किस तरह से मैं सिग्नल लाया, पूरा इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ और कुछ बताने भी वाला हूँ कि सन डायरेक्ट को आप किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर डिश एंटेना को आप सैटेलाइट के साथ कैसे अलाइन करेंगे और सिग्नल लाएंगे। तो इस वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु शेखर चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं टेक्निकल शेखर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैं अभी कस्टमर के घर पे हूँ और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उनका टीवी और सन डायरेक्ट को मैंने ऑन किया। उसके बाद देखिए एरर क्या आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं। तो स्क्रीन यहाँ पे देखिए E4832 नो सिग्नल, प्लीज चेक केबल और एंटेना। सो अब हम देखिए ये सन डायरेक्ट का डीटीएच है और ये आप मेनू में देख सकते हैं कि सबसे पहले इंस्टॉलेशन है, सेटिंग्स है, सीए मेनू है, स्टोरेज है, तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, टूल्स है, चैनल्स है और इंस्टॉलेशन है। तो ये मेनू है सन डायरेक्ट का जो सेटअप बॉक्स है। तो अब हम इंस्टॉलेशन में देखिए मैनुअल स्कैनिंग, तो मैनुअल स्कैनिंग पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है, 4x0 पासवर्ड है। हम एंटर करेंगे तो देखिए इसका जो ट्रांसपांडर लिस्ट है, ट्रांसपांडर फ्रीक्वेंसी, सिंबल रेट, ये सारे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेंथ, सिग्नल स्ट्रेंथ और सिग्नल क्वालिटी जीरो दिखा रहा है, यानी कि ये नो सिग्नल है। देखिए फ्रीक्वेंसी जब हम देख रहे हैं तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल नहीं है। तो चलिए हम अभी डिश एंटेना पे चलते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सन डायरेक्ट डिश एंटेना है, सन डायरेक्ट एचडी। तो ये जो डिश एंटेना है, ये ऊपर में देखिए ये पेड़ था और इसको जब काटा तो इस डिश के ऊपर में वो पेड़ का एक डाल है वो गिर गया था और इसके बाद से ये नो सिग्नल है। तो ये हम चेक कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, और इसको अलाइन कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिश अलाइन हो गया है इस डिश एंटेना। तो हम अब आपको समझा देते हैं किस तरह से इसको अलाइन कर लेते हैं। देखिए सन डायरेक्ट का जो अलाइनमेंट है ये किस तरह से होता है आप समझ लीजिए। सन डायरेक्ट का जो डीटीएच सर्विस है ये दो सैटेलाइट पे चलते हैं। फर्स्ट सैटेलाइट है जीसेट 15 93.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि ये डीडी फ्री डिश का जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट, और एक सैटेलाइट है मियासेट 3V, ये 91.5 डिग्री ईस्ट। तो दोनों सैटेलाइट पे ये जो सन डायरेक्ट का सिग्नल है, दोनों सैटेलाइट को अलाइन करना होता है तो फिर ये सिग्नल आता है। तो हम क्या करते हैं, डिश एंटेना को 93.5 डिग्री ईस्ट और मियासेट 3 91.5 डिग्री ईस्ट, इन दोनों के बीच में रखते हैं ताकि दोनों का ही सिग्नल यहाँ पे रिसीव हो और दोनों सैटेलाइट का जो सिग्नल और चैनल है वो हम एक्सेस कर पाए। चलिए हम WhatsApp पे चलते हैं। तो देखिए WhatsApp को मैंने अभी ओपन करके वीडियो कॉल कर रहा हूँ और ये यहाँ पे देखिए, तो डिश को सही तरह से अलाइन करने पर ये सिग्नल जो है वो फिलहाल शो कर रहा है, सिग्नल क्वालिटी आ चुका है और स्ट्रेन भी आ चुका है। अब हम टीवी में डायरेक्ट चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप एक नीचे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि
ये डिश को अलाइन कैसे मैंने किया है, और उसके बाद ये देखिए डिश को अलाइन किया है और उसके बाद ये सिग्नल जो है वो आ चुका है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिग्नल के लिए हम थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे और उसके बाद सिग्नल को सही तरह से हम अलाइन करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके हम देख रहे हैं कि सिग्नल आ चुका है और सिग्नल स्ट्रेंथ और क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि डिश एंटेना को किस तरह से मैंने अलाइन किया और उसके बाद सिग्नल को लाया। और देखिए जो अलाइनमेंट है, मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया था कि दोनों सैटेलाइट के बीच में इसको रखना है तो ही इसका सिग्नल जो है वो प्रॉपर आएगा। और थोड़ा सा हम फाइन ट्यून करके सिग्नल जितना भी स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो उतना अच्छा है। तो मैं अब अभी टीवी में चलूंगा और टीवी में जाके हम देखेंगे कि चैनल भी आया है कि नहीं। तो चलिए हम टीवी में चलते हैं। तो देखिए हम अभी फिर से टीवी में आ चुके हैं और मैनुअल स्कैनिंग में देखिए यहाँ पे सिग्नल आ चुका है और फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं सन डायरेक्ट का जितने सारा फ्रीक्वेंसी है उसका लिस्ट भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि कौन कौन से सन डायरेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी है कौन कौन सा है। ये देखिए ये सन डायरेक्ट का जो फ्रीक्वेंसी लिस्ट है, पोलराइजेशन ट्रांसपंडर फ्रीक्वेंसी, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी लिस्ट है। तो सिग्नल को अलाइन करने के बाद आप देखते हैं कि चैनल जो है वो आया है कि नहीं आया है। तो ये देखिए चैनल आ चुका है। देखिए इसको मैंने ऑफ करके फिर से रन कर रहा हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चैनल फिलहाल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि इसका रिचार्ज डेट भी खत्म होने ही वाला है। और ये हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं सन डायरेक्ट का। और चलिए हम चैनल को चेंज करते हैं और देखते हैं कि सिग्नल आया है या नहीं है। ये देखिए पिक्चर आ चुका है अच्छी तरह से। ये देखिए चैनल का पिक्चर आ चुका है। ये देखिए ये बंगाली पैक है। सो आपने देखा कि किस तरह से हम एक नो सिग्नल डिश एंटेना को सन डायरेक्ट के नो सिग्नल को प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आपको मैंने समझाया कि किस तरह से आपको डिश को अलाइन करना है और किस तरह से सिग्नल को लाना है। मैंने आपको पूरा इस वीडियो में दिखाया। तो वीडियो के बारे में कोई भी सवाल अगर आपके मन में हो तो आप हमें पूछिए, मैं जरूर उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यही करते हैं खत्म और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।